कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत थाना सतपुली द्वारा बीते दिन, आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले पर कुल 90 लोगों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई। थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोविड संक्रमण की दर बढ़ रही है और ऐसे में जो भी व्यक्ति कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने आम जन से अपील करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को मास्क पहनने व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना चाहिए। संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जिसके तहत हम सभी को सरकार द्वारा जारी जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। इसके तहत मास्क पहनना और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना चाहिए। और अभी मैं आपके माध्यम से सभी से अपील भी करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसका हम सभी लोग पूर्ण पालन करें। देवरिया जिले के बरहस थाना क्षेत्र के कजरजहा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब दादा का अंतिम संस्कार कर घर लौट रहे 22 वर्षीय युवक विश्वजीत को घर से बुलाकर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का शव आपको बता दें कि मिला और युवती से बता दें कि गांव के ही एक अवैध संबंध का मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर समेत भारी मात्रा में घटनास्थल पर पहुंच चुके और बताते चले कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने कहा है कि कई टीमें गठित कर रवाना कर दी गई हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया है कि प्रेम प्रसंग के कारण युवक की हत्या की गई थी। 2017 में एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लिया था, बाद में वह लड़की छोड़कर आ गई थी, उसके चलते गांव में कसीदगी थी। मृतक नवयुवक पक्ष के अपने घर में परिवार में गमी हो गई थी, जिसमें वह आया हुआ था और जिस दुकान में मृतक बैठा हुआ था वहां उसको गोली मार दी गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई को सोडामादी कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में देर शाम बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, बावजूद भी घंटों तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे का है, जहां बैंक के बराबर में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पहले तो लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया गया तब दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी दमकल विभाग की गाड़ी एक घंटे की देरी से पहुंची। हैरानी की बात यह है कि अगर बैंक में ये आग फैल जाती तो भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।